वेलकम बैक टू माय चैनल दैट क्रिएटिव कपल। और गाइस आज भागवत का लास्ट डे, मतलब आज समाप्त हो जाएगी हमारी भागवत और आज हवन वगैरह होगा सब कुछ। तो कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमारे यहाँ जो पैर में महावर लगाया जाता है, तो वही मुझे लग रहा है जैसे ही मैं आई तो मुझे ये जो नाउन आंटी है उन्होंने महावर लगाया। तो चलिए आगे आप लोग देखिए। भाग्य है इनके ही नाम से ये लोग जाने जाते हैं, इन्हीं के नाम से धन संपदा सब कुछ है। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है मेरी दादी की कि मेरी दादी और दादाजी के नाम से ही सबको जाना जाता है। विलोखी चचा के नाम से पूरे राजनगर और कई क्षेत्र और कई जगह हम यहाँ भागवत कर रहे थे। इनके इन लोगों का नाम बोले क्यों महाराज जी, विलोखे चचा के यहाँ कथा चल रही है क्या तुम्हारी? इनके पिताजी का नाम विलोखे चचा का जाने कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और ऐसा इनके पुत्रों का ही नाम फैलता रहे जैसे उनका फैला रहा। और हमारी दादी जी राम कुमार अग्रवाल जी को यहाँ से आशीर्वाद देते हैं, ये खूब जी है और नाती पोता का विवाह देखकर ही आए, यहाँ इतना बड़ा आशीर्वाद है। और एक आशीर्वाद और है, इनकी भागवत होनी है। भागवत कथा अब हो चाहे जब तक डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, पर कह रहे थे भाई साहब हमारे से महाराज जी कथा आप ही करोगे, अब हो चाहे जब तक पर आपसे ही भागवत कथा। कल हमारा दरबार हुआ बोले कथा आपको ही पंडित बना लिया है और भागवत। तो गाइस अब सब लोग हो रहे हैं आरती के लिए रेडी। तो ये जो भागवत वाली आरती है जो ये मुझे बहुत पसंद है, सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। और गाइस ये है मेरे पापा, मतलब कि मेरे फादर इन लॉ जो आरती कर रहे हैं। तो गाइस अब हो रही है हवन की तैयारी। तो इस दिन बहुत धूप निकली हुई थी, बहुत गर्मी थी, बट जब हम लोग हवन करने बैठे तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था और कुछ भी गर्मी नहीं लगी, बहुत ही आराम से सब कुछ हो गया। मंगलवार से यथा सब यजमान नामस्य यजमान नामस्य गोत्र से सिंगल गोत्र से सोम छत्तीस सभी होगी सभी कारण वहाँ पर दस हजार से पानी सब कुछ जाता हूँ। तो गाइज अब मैं बैठ चुकी हवन करने, तो मैं खुद ही वीडियो बना रही, तो आपको सिर्फ मेरा हाथ दिखेगा, मैं पूरी नहीं दिखूंगी। तो चलिए देखते हैं। स्वाहा।
तो गाइस ये देखिए दीदी और जिया जी दोनों कितने अच्छे लग रहे थे ना, तो मुझे लगा कहीं इन्हें नज़र ना लग जाए तो मैंने इनकी नज़र उतार दी। और गाइस फिर इसके बाद सब ने एक एक करके मतलब जो भी टीका तिलक वगैरह करते हैं, मम्मी ने, बड़ी मम्मी ने, लाइन वाइज सब ने इनका किया। और उसके बाद फिर सुंदरकांड का पार्ट हुआ एंड देन क्या कहते हैं भंडारा हुआ, और भंडारे के बाद जल विहार होता है तो वही हुआ। तो अब आप लोग देखिए और मैं यहाँ पे एक गाना सेट कर देती हूँ और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो।